जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे विशेष संकेतों के बारे में बताएंगे जिनके द्वारा आप जान पाएंगे कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है या नहीं है, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है या नहीं किया है। दोस्तों भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ताकि उनकी कृपा को प्राप्त कर सके। और दोस्तों सुबह शाम भगवान के आगे दीप जलाते हैं, उनका भोग लगाते हैं ताकि उनके जीवन की परेशानियां दूर हो सके और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उनको जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों हम सब किसी न किसी मनोकामना के साथ भगवान की पूजा करते हैं ताकि वह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हम पर अपनी प्रसन्नता बनाए रखे। और दोस्तों ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान पूजा अर्चना करने से प्रसन्न तो जरूर होते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि भगवान संकेत भी देते हैं कि उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है या कि उन्होंने आपको अपना विशेष आशीर्वाद दे दिया है, उनकी कृपा आप पर बन रही है। दोस्तों इस बारे में भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं कि उनकी कृपा हम पर हो रही है, उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे जो हमें बताएंगे कि भगवान की कृपा हम पर बन रही है। दोस्तों पहला संकेत है कि जब आप रात में सोते हैं तो दोस्तों उस दौरान सपनों में अगर आपको भगवान के मंदिरों के दर्शन होते हैं, भगवान की मूर्ति दिखती है, भगवान की फोटो दिखाई देती है और बार बार इस तरह के सपने आपको आने लगते हैं तो समझ जाइए दोस्तों कि भगवान ने आप पर अपनी विशेष कृपा कर दी है, आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अपनी भक्ति का उदय वो आपके जीवन में कर रहे हैं, अपनी कृपा वो बना रहे हैं। ये पहला संकेत है। और दोस्तों दूसरा संकेत है, अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं और आपका सौदा भी तय हो जाता है, लगभग वो चीज आपको मिलने ही वाली होती है, लेकिन दोस्तों आपके अंतर मन से एक आवाज आती है कि नहीं, इस वस्तु को लेना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। जैसे ही आप उस चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके हाथ रुक जाते हैं, आपका मन ठहर जाता है और आपके हृदय से आवाज आती है, आपकी आत्मा की आवाज आती है कि नहीं, मुझे ये नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये भगवान का संकेत होता है, आपकी आत्मा की आवाज होती है जो कि परमात्मा के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप गहराई से हृदय की भावना के साथ इन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में पग पग पर भगवान आपको आपके साथ दिखाई देंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर उस फैसले से आपका मन आपको रोक रहा है तो दोस्तों आपकी दैवीय शक्ति आपके साथ है, भगवान की कृपा आप पर है जो कि आपको हर बुराई से बचा रही है। दोस्तों कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के पहले ही संकेत मिलने लग जाते हैं, उनको आभास होने लगता है कि भविष्य में सुख होने वाला है या कि अशुभ होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों पर दैवीय शक्ति का आशीर्वाद होता है, भगवान की विशेष कृपा ऐसे व्यक्तियों पर होती है जो कि उनको इन चीजों के बारे में पहले ही आभास करा देती है कि भविष्य में अब शुभ होने वाला है या कि अशुभ होने वाला है। तो दोस्तों ये पूर्व आभास होना भी ईश्वरीय कृपा का संकेत होता है। दोस्तों जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको हर जगह पर सम्मान मिलता है। दोस्तों ये भगवान की कृपा की ही निशानी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अगर उसके पास धन दौलत भी नहीं है लेकिन वह दिल का उदार इंसान है और हर जगह पर मान सम्मान पाता है, उसका आचरण बहुत अच्छा है, तो दोस्तों ईश्वरीय कृपा उस पर होती है और भगवान हर प्रकार की मुसीबत से ऐसे व्यक्ति की हमेशा रक्षा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका मान सम्मान समाज में बढ़ रहा है, यश कीर्ति बढ़ रही है, तो यह भी भगवान की कृपा का ही संकेत होता है कि उनकी विशेष कृपा आप पर बन रही है। दोस्तों जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, उनके जीवन में चाहे कितने ही दुख हो, कितने ही कष्ट हो, कितने ही संकट हो, लेकिन दोस्तों वो हमेशा ही खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है,
क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का मनोबल बहुत ऊंचा होता है, उनको किसी परेशानी से डर नहीं लगता, उनको पता होता है कि भगवान उनके साथ है। इसलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति हर मुसीबत को आसानी से पार कर जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों पर भगवान की विशेष कृपा ही होती है कि जीवन में चाहे कितने ही कष्ट आए लेकिन उनके चित्त की प्रसन्नता हमेशा बरकरार रहती है। तो दोस्तों ये तो कुछ विशेष संकेत थे जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए थे। दोस्तों इन संकेतों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि भगवान की कृपा हम पर बनी हुई है। और दोस्तों आप अपने दैनिक व्यवहार में भी इन चीजों को देख सकते हैं। आप जब भी सुबह या शाम के समय पर पूजा कर रहे होते हैं तो दोस्तों आपके मंदिर में आपने अगर कोई पूजा का फूल भगवान के अर्पण किया हुआ है तो दोस्तों अगर वह पूजा का फूल अचानक आपकी तरफ लुढ़क जाता है तो समझ जाइएगा दोस्तों कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और उनकी विशेष कृपा के पात्र आप बन चुके हैं। दोस्तों एक और दूसरे संकेत के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भगवान की शक्ति आपके आसपास में है कि नहीं है, या आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं किया है। दोस्तों जब आप अपने पूजा घर में दिया बाती करते होंगे तो वहाँ पर जब धूप जलाते हैं तो उस धूप से कई बार देखते होंगे कि दुर्गा माता या शिव शंकर महादेव या फिर ओंकार की आकृति बन जाती है। तो दोस्तों ये एक संकेत होता है जिसके माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। और दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो संकेत है वो हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपके हृदय में एक अपार प्रसन्नता की भावना होती है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। तो दोस्तों समझ जाइए कि वो जो अंदरूनी खुशी आपके अंदर पैदा हो रही है बिना ही किसी वजह से आपकी आत्मा को प्रसन्नता का आभास हो रहा है तो दोस्तों वह ईश्वरीय कृपा का आनंद होता है। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण संकेतों के माध्यम से हम जान सकते हैं दोस्तों कि भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है, उनकी हम पर कृपा बनी हुई है या हम भगवान की कृपा के पात्र हैं, हमारी पूजा को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिनके माध्यम से आप अपने विश्वास को और मजबूत बना सकते हैं कि भगवान ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है, आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और उनकी विशेष कृपा के आप पात्र बन चुके हैं, भगवान हर पल आपके साथ हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों।